नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जी सिविल अकेडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नए रिक्रूटमेंट के बारे में जो आ रहा है आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड की ओर से। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिर्फ सिविल ब्रांच के रिगार्डिंग, इसके अलावा किसी ब्रांच के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा, पहली बात करते थे कि अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं तो आपकी पोस्टिंग किस एरिया में होगी। तो आपकी पोस्टिंग होगी असम और अरुणाचल प्रदेश में, है ना। क्वालिफिकेशन की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो आपको डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, 3 साल का। लेकर यहाँ पर लिखा है पास्ट 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 4 वैकेंसीज हैं। और एज रिलेक्शन की बात करें तो सभी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मिलता है वो मिलेगा, जिसमें 4 में 2 जनरल की हैं और 1 ST की है, 1 OBC की है। इसमें SC और EWS की कोई वैकेंसी नहीं है, है ना। अच्छा, अब एज रिलेशन में बात करें तो डिप्लोमा कैंडिडेट्स हुए सक्सेसफुली अंडरगोन एंड कम्प्लीटेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन इन ऑल इंडिया लिमिटेड, यानी जिस किसी ने भी ऑल इंडिया लिमिटेड में अप्रेंटिस की है, ठीक है, किस रीजन में, ईस्टर्न रीजन कोलकाता, तो उसको क्या होगा, एज रिलेशन मिलेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आपने की तो आपके लिए बेहतर है। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे CBT होगा। CBT में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर बात करूँ मैं SC ST पर्सन के लिए और PWD वाले बच्चों के लिए तो 40%, अदर के लिए कितना है, 50%। अच्छा, एग्जाम पैटर्न की बात करो तो इसमें एग्जाम को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ए में होगा आपका जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज। बी होगा आपका रीजनिंग एंड क्वांट। ओके, सी होगा डोमेन रिलेटेड यानी सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड। और ए में एक और इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड, यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड की हिस्ट्री, प्रेजेंट में जो भी इसके सिनेरियो चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पेपर होगा उसकी लैंग्वेज इंग्लिश और असामी होने वाली है, हिंदी यहाँ पे नहीं होगी। पेपर का टाइम कितना है, 2 घंटे का पेपर का टाइम होने वाला है। ओके, सारी मेरी चीज़ें मैंने यहाँ पे पहले हाईलाइट कर दी, जिससे आप PDF को पढ़ें तो आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड आपके यहाँ पे रहेगा। अच्छा, अगर डेट्स की बात करें कि कौन सी डेट होने वाली, तो सारी क्रूशियल डेट जो होगी वो 25 अप्रैल होगी, यानी कि सब डाटा आपका 25 अप्रैल को कैलकुलेट होगा, एज से लेके क्वालिफिकेशन तक। ओके, अप्लाई कैसे करना है, आपको ये लिंक दिया गया है, इस पर आके आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ फर्दर जितने भी डिटेल्स थी मैंने आपको बता दी। और फीस की बात कर दूँ तो मैं 200 रुपये फीस जनरल OBS के कैंडिडेट्स के लिए प्लस GST लगेगा, है ना। और SC ST पर्सन के लिए, EWS PWD वाले बच्चों के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं रखी गई है। ओके, तो ये सारे हाईलाइटेड पॉइंट थे। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे सेम PDF हाईलाइटेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी। ओके, तो ऐसे ताज़ा अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, जब टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग। अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं।